उसमें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं अभी सोच रहा हूँ ऐसा कि जिसमें आप लोग डायरेक्टली मेरे को फ़ोन करके नोएडा से रिलेटेड, NCR से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी। गौर साहब की प्लेटिंग मैंने कितनी सुंदर सजाई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। मैं अभी उठी हूँ, ये माँ कॉल है, नीचे दीदी आई है, मतलब मेरी ननन जी खुशी थी, तो अभी मैं जाती हूँ नीचे, मतलब हाथ मुँह धो के ऐसे ही जा रही हूँ चेंज करके, उसके बाद फ्रेशन अप होंगी, पहले उनसे मिल लूँ क्योंकि वो जाएंगी भी, क्योंकि कल उनका ऑफिस है तो उन्हें वापस जाना है, तो इसलिए। तो जी मैं तो हो चुकी हूँ फ्रेशन अप, और अभी चलते हैं नीचे। एक तो रात ना मेरे को इतनी तेज़ भूख लगी, मैं सही बताऊँ, मतलब मैं उठी थी वॉशरूम जाने के लिए, बट मेरे को भूख लगने लगी थी, और कुछ बज रहे होंगे 4, मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाए और थोड़ा सा भुने हुए ड्राई फ्रूट्स थे ना वो खाए, थोड़ा नमकीन मखाने ऐसी चीज़ें, कभी भूख लग जाती है यार, कहीं उठो ना थोड़ा सा भी देर के लिए अगर बैठे रहो तो भूख नहीं लगती है। कल वैसे भी नींद इतनी टूटी टूटी आई थी ना, नींद क्या आई थी, बस मैं लेट ही रही, करवट ही बदलती रही, इसलिए शायद भूख लग गई, नींद नहीं आई थी क्योंकि, बट होता है। अब चाय नहीं छूटेगी तुम्हारी? नहीं। क्या हाल है पतलू दी? पतली तो नहीं हो रही, पतली हो रही है। हेलो, ओहो दोस्तों, गिफ्ट आया हमारा, पहला बर्थडे गिफ्ट। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे एडवांस मिला है गिफ्ट, वरना मेरे को उस दिन मिलता है, और गौर साहब पूछ रहे हैं कि क्या लाऊं, मैंने मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, माँ ने भी अपना पहले ही सोच के रख लिया है कुछ, तो ये सेम डे वाले पता चलेंगे मुझे गिफ्ट, लेकिन ये पहला बर्थडे गिफ्ट आया है मेरा, मेरे ननन जी की तरफ से। टुल्लू देखो कितने मजे से लेटे हुए हैं, ये आलस का शिकार है, पूरे दिन सुला लो, पूरे दिन सोएगा। डुल्लू पागल है क्या तू, कुछ उठ जा, कैसे मजे ले रहे हैं, बस उसके ये करते रहो ऐसे हाथ पे सर पे कर दो, ऐसे लगे सो जाएगा बिल्कुल। लाइट देखो, बस अंगड़ाई शुरू दोस्तों हमारा, देखो कितने शौकीन मिजाज लोग हैं, ये हमारे छोटे साहब, इनको ना ग्रिल सैंडविच खाने में लाइट नहीं आ रही है, तो ग्रिल सैंडविच के लिए ये साहब जनरेटर चला गया है। वैसे जनरेटर चला रहे, ऊपर नहीं जाते, लेकिन इधर सिर्फ ग्रिल सैंडविच खाने तो जनरेटर चल गया। मतलब बताओ इतने अद्भुत प्राणी है हमारे घर में, आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता है क्या? वरना तो बेचारी दीदी के लिए हम लोग अब माँ तवे पे बना के लिया ही, अब ग्रिल सैंडविच अब चलेगा। तुम्हारी ननद जी जा रही है अंदर ही है, आवाज और चल गई ना जनरेटर की, ऊपर सबसे धूप हो रही है, कितनी गंदी धूप माँ। चलो मैं वो दे दूँ, तुम करो क्या, एक खोल के देख लेना, बाय बेटी। इसकी तो हालत ही ऐसी लग रही है, अरे भाई बहुत ब्रेक है, ब्रेक तो है, लेके आई हूँ बस जस्ट ब्रेक। तो जी सुबह से आज मेरी ये हालत हो गई है, और मैं आई हूँ भी ऊपर, क्योंकि जब मैं नीचे गई तो मैं बैठी हुई थी, बैठे बैठे मेरे को बहुत तेज चक्कर आने लगे, मतलब ऐसा कि एकदम सर घूमा, फिर दीदी ने कहा थोड़ा नींबू पानी बनवा लो, फिर मैंने नींबू पानी पिया, उसके तुरंत बाद ही मैंने जूस पी लिया, भैया से जूस मंगवा लिया था मैंने, और उसके बाद ना मेरे को इतना ज़्यादा घबराहट, इतनी ज़्यादा घबराहट, फिर दीदी के तुरंत जाने के बाद ही मेरे को इतनी ज़्यादा वॉमिट होने लगी, उसके बाद फिर चक्कर आने लगे बहुत ज़्यादा, और फिर मेरे से कुछ नहीं खाया गया, और ऊपर से एसिडिटी इतनी बुरी होने लगी थी, इतनी ज़्यादा जलन, कुछ खाने का हिम्मत नहीं हुआ, तब से मैं नीचे ही थी, और अभी बज रहे हैं 2, अब जाके मैं नहाऊंगी क्योंकि मेरा कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी, और अभी मैं आई हूँ ऊपर,
माँ बेचारे मेरा सारा सामान सेट करवाने में लगी हुई थी। अभी भी देखो ये साड़ियाँ निकली हैं और मेरे को ध्यान भी नहीं दिया, ये साड़ियाँ ये माँ ने दी थी मुझे, ये बहुत सुंदर साड़ी है, येलो और एक पिंक और ऑरेंज भी मेरे को दी थी माँ ने तीज के टाइम पे, शायद जब मेरी लास्ट तीज आई थी, जो मतलब वो एंगेजमेंट के बाद वाली, तो तब माँ ने दी थी मुझे। और अभी साड़ियाँ अभी तक भी रखी हुई हैं, बहुत सारी साड़ियाँ जो मैंने बनवाई ही नहीं अभी तक, अब तो बाद में बनवाऊंगी, खैर अब तो कुछ मैं पहन ही नहीं सकती हूँ। अब आके थोड़ा मेरे को सही फील हो रहा है, तो मैं जाके नहा धो के फ्रेशन अप होती हूँ, पहले दूध पीती हूँ, क्योंकि कैल्शियम की गोली भी नहीं खाई, क्योंकि खाली पेट दूध पीती तो भी दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने गोली भी नहीं खाई, पहले सैंडविचेस खाए दो अभी, उसके बाद अब मैं दूध पीऊँगी अपना, ये रहा हमारा दूध। कैल्शियम की गोली ना मैं दूध के साथ लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो पिया नहीं जाता, डॉक्टर ने कहा कि दूध के साथ लेनी चाहिए, दूध पी लेती हूँ, वैसे भी पी लेती हूँ बट अभी मन नहीं हो रहा है मेरे को, तो इसलिए पहले अपनी दवाई लेते हैं, उसके बाद थोड़ा 5-10 मिनट रुक के फिर मैं अपना फ्रेशन अप होके नहाने धोने जाऊँगी। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी मार्केट जाने के लिए, और अब हम चलते हैं मार्केट, एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। दोस्तों वी आर सेट टू गो, हम चलते हैं मार्केट अब, माँ भी हो गई है रेडी, चले माँ बुल्लू ये दरवाजा बंद कर दूंगा, है नहीं अंदर डुल्ला, बस तो मैंने कर दिया बंद जाली वाला। दोस्तों जहाँ से मैं चीज केक खाती हूँ तो बता दूँ, अंकल की शॉप है स्वदेशी, तो भैया जो है वो बनाते हैं और बहुत ही अमेजिंग उन्होंने कोर्स किया है, बहुत ही टेस्टी चीज केक बनता है, तो आप यहाँ जरूर ट्राई कर सकते हैं। अम्मा मैं सोचा थोड़ा सैंडविच खा लूँ क्या, तो मैं तो यहाँ अपना सैंडविच और फ्रूटी लेके आ गई हूँ, क्योंकि मैंने खाया नहीं था, दो ही सैंडविच खा रखे थे सुबह के, और मेरे को अब भूख लग रही थी, क्योंकि मैं नहा धो के एकदम से यहाँ मार्केट आई हूँ थोड़ा रेस्ट करके, तो एकदम से भूख लगी। हाँ ऐसा है तो मेरे पास साड़ी एक दो शेड का, हम देख रहे हैं दोस्तों बुआ के लिए सूट पिंक ले लिया, पिंक लेके गए मेरे लास्ट टाइम, क्योंकि बुआ के यहाँ पे है कल घर का इनॉग्रेशन, तो इसलिए हम लोग बुआ के लेके मतलब सूट देख रहे हैं, उन्होंने साड़ी को मना कर दिया तो उनको सूट चाहिए, सूट थी तो अभी माँ चॉइस कर रही हैं, ये तो ज़्यादा लाइट कलर हो जाएगा थोड़ा अच्छा सा ब्राइट, तो वैसे कलर ब्लैक कलर ऐसे दे दो, वैसे अच्छा लग रहा है, सुंदर है, सूट सुंदर है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है पर प्यारा है, वो लाइट कलर पहनती नहीं है ना, है बुआ पे खिलते हैं सारे, तो बुआ गोरी गोरी ना, कभी हमारी मम्मी ने लाइट कलर पहना, तो लाइट डार्क दोनों कलर पहन लेते हैं दोस्तों, नहीं ये तो इसका ये भी अच्छा लग रहा है, और वो भी ग्रे भी, वो दिखाओ ग्रे, ग्रे अच्छा लग रहा है माँ, माँ नहीं नहीं मुझे ये भी अच्छा लग रहा है माँ, ग्रे भी अच्छा है, वाओ ब्यूटीफुल, ये दुपट्टा भी अच्छा है, दोस्तों मैंने यहाँ काम करना शुरू कर दिया, मैं ही सूट उठा उठा के लेके आ रही हूँ, मत चेक करो आप, नहीं रख दो पकड़ दो, तू उठा के क्यों ला रही हो, नहीं मैंने इकट्ठे उठा लिए एक साथ, ये कलर कितना सुंदर लग रहा है ना, ज्यादा लग रहा है प्रिटी, ये भी देखो मैं निकाल के आई हूँ, इसका दुपट्टा भी अच्छा है, ये देखो चिड़िया चिड़िया बनी है, एक ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगा, तो हमने सूट ले लिए हैं माँ, डन, अब है चलने की तैयारी, चलने की भी क्या, अभी तो देखते हैं अभी तो ऊपर जाएंगे सेलेक्ट करेंगे, फिर इधर उधर देखने होंगे कि कौन सा क्या कैसा किसको माँ को पसंद आ रहा है, मैं तो एक दो माँ के जबरदस्ती रखवा दिए ना, तो उसमें माँ अभी चिच करेंगी, पर कोई नहीं। तो उससे ऐसे कलर ना मुझे अपने ऊपर इतने सुंदर लगते हैं ना, मेरी नील पेंट भी मैच हो रही है, तो मुझे ऐसे बहुत पसंद है, ऐसे तो पता नहीं मैं कितने पीसेस लेके चली गई हूँ, मैं सिलवाए भी नहीं है अभी तक रखे हुए हैं, तो मैं अब सोच रही हूँ बाद में लूँगी, बट मुझे ऐसा कलर बहुत पसंद है, कितना सुंदर लग रहा है। माँ की शॉपिंग हो चुकी है डन, माँ आगे भागे चले जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे मेरे से पीछे चला, वो सामान लेके जा रहे हैं भैया, तो उनको पता थोड़ी है गाड़ी,
भैया आ चुके हैं लेने के लिए और इतना ज्यादा जाम लगा पड़ा है पूरे में। इसी में रखना है, इसी में रखना है। माँ रुक गई है अपना मिठाई वगैरह लेने के लिए। इतने हम लोग चलते हैं घर पे उसके बाद, क्योंकि बहुत थकान हो गया, बहुत टाइम हो गया, भूख लगने लगी मेरे को तो बहुत तेज़। अब हम आ गए हैं घर और ये है सरप्राइज कि गौर साहब, गौर साहब क्या हाल है, चल आओ आओ आओ, बैग सारे वही हैं। डुल्ला माँ जा रहे हैं, जाओगे घूमने चलेगा मेरे साथ? आ तो चल, चलो गाड़ी में चल। कितनी जल्दी कूद के आया गप्पू, तुमको अकेला छोड़ गए थे। हम जा रही हैं माँ, मैं जा रही हूँ, चलेगा? माँ कितने बार से, ओए मेरा बच्चा, मम्मा कपड़े का आई है, ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा, लेके चलूंगी एक मिनट, रुक तो जा अभी लेके चलूंगी। अभी तो आए भी नहीं प्रिंस भैया, रुक जाओ, प्रिंस तो आ जाओ, डॉलर आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं प्रिंस भैया, आ रहे हैं अभी, रुक जाओ रुक जाओ, प्रिंस भैया आ रहे हैं, रुक जाओ अभी, ठीक है रुक जाओ अभी, भौको नहीं अभी, रेस्ट करो थोड़ा, आ रहे हैं वो, आ गए प्रिंस भैया, आ गए, जाओ चलो जाओ, हाँ चलो जाओ चलो जाओ। दोस्तों गौर साहब आए हैं तो मैंने सोचा गौर साहब को सैंडविच बना के खिलाते हैं, क्योंकि हमने भी खाया तो अपने तरीके का सैंडविच हम गौर साहब क्यों नहीं बना के खिलाए, और घर पे आके खाने का मज़ा तो कुछ अलग ही होता है, तो आज बना के खिलाते हैं गौर साहब को सैंडविच। सब मैं बना रही हूँ अभी, प्रिपेयर कर दिया था मैंने, सब फैला हुआ है मेरा सामान। दोस्तों गौर साहब की प्लेटिंग मैंने कितनी सुंदर सजाई है, इंग्लिश ज़्यादा सर, अरे वाह अरे वाह। ये प्लेट सजा के ले गए पीछे से खाना शुरू कर रहा, आगे तक खाए कैसे वो देने जा रहे। अच्छा है ना, मजा आ गया, मजा आ गया, चीज मैंने भर भर के आपको जैसे पसंद है वैसे। अभी सिंगल चीज तो लगाई हुई है, सिंगल भी लगाई है, शेडर भी लगाई है, बटर भी लगाया है, आपका मेयो भी लगाया है, जैसा आपको पसंद है। कॉफी बना दो, कोल्ड कॉफी थोड़ी, डन थैंक यू। दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि कुछ दिन पहले क्या लगे हैं, तो दिस इज द आउटफिट कि ऐसे है पूरा, और बहुत ही सुंदर लग रहा है, और पता नहीं मैं ट्राई करूंगी मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, बट स्टिल बाद में पहन सकती हूँ जब मैं थोड़ी पतली हो जाऊंगी, बट आई एम लविंग इट, क्योंकि मेरे पास ऐसा प्रिंट नहीं है। सो थैंक यू मुझे दी, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा ये, सुंदर अति सुंदर। तो जी मैं आ गई हूँ ऊपर, खाना हमने खा लिया है और बहुत थकान हो गया आज, क्योंकि एक तो इतनी देर हमने 3 घंटे शॉपिंग में लगाया, आज 3 घंटे हम लोग की शॉपिंग हुई, उसमें मेरी एक साड़ी मिसिंग भी हो गई है, वो ब्लू वाली जो मैंने ली थी, शायद आपको दिखाई होगी, मैंने शायद नहीं दिखाई, पता नहीं, वो ब्लू साड़ी मेरे को ना शॉप पे है ना यहाँ घर पे मिल रही है, अब समझ नहीं आ रहा कि वो है कहाँ, बस मैं होप कर रही हूँ कि वो ब्लू साड़ी मेरे को मिल जाए, वो लहरिया प्रिंट में थी, बहुत सुंदर कोबाल्ट ब्लू कलर था उसका, तो वो मेरे को थोड़ा लग रहा है, बट कोई नहीं ढूंढेंगे हम। और गौर साहब आ गए तो बड़े मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि अब मेरा बर्थडे नज़दीक आ रहा है, नज़दीक तो मतलब नज़दीक क्या, आप सब लोगों को पता ही है, मतलब बहुत लोगों ने गेस कर लिया है, एंड येस यू वर राइट, मेरा बर्थडे 16th of July को है, तो और गौर साहब इसलिए आ गए, कल गृह प्रवेश है बुआ जी के यहाँ उनके घर का, तो वहाँ सब लोग जाएंगे, भैया नहीं जा पाएंगे, मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि भैया को एक शादी में जाना है, उनके एक फ्रेंड की, क्लोज फ्रेंड की शादी है, और मैं इसलिए नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैं इतना लंबा एक दिन में ट्रैवलिंग नहीं कर पाऊँगी, पूरा पूरा आना जाना और ये सारी चीज़ें, क्योंकि एकदम से बहुत थकान हो जाएगी, और आज भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी, क्योंकि मेरे को ना पता नहीं चक्कर वैसे मेरे को अभी आ नहीं रहे थे, 2 दिन से आने शुरू हुए हैं, परसों भी आए थे वो हल्के से आए थे, से मैं पूजा कर रही थी तो एकदम से थोड़े से आए, फिर मैं बैठ गई और ऐसे सर घूमता एकदम से, मतलब कुछ समझ नहीं आता, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, और मेरे को काम भी है तो मैं रेस्ट करूँगी, और भैया अपना शादी में जाएंगे, मैं और डुल्लू रहेंगे, अब हम शायद मम्मी के पास जाएंगे,
देखते हैं क्या प्लान रहता है हमारा। और ये सब लोग निकलेंगे सुबह सुबह, क्योंकि 11 बजे 11:30 तक पहुंचना है वहाँ पे। पूजन का टाइम वही है। आई होप मैं भी जा पाती, बट बू आई एम सॉरी, आई नो आपका कॉल भी आया था, और मैं जल्दी ही आऊँगी। और बाकी तो अब है सोने की तैयारी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। और हमें ऐसे ही प्यार देते रहे व्लॉग्स को ढेरों सारा, शॉर्ट्स भी प्यार दीजिए, शॉर्ट्स में भी कमेंट करिए, शॉर्ट्स में डाल रही हूँ। और हाँ सॉरी, कल वाले ब्लॉग पे माँ का ओवरऑल लुक तो मैं दिखा ही नहीं पाई, क्योंकि वो वीडियो मेरे से डली नहीं, मेरे फ़ोन से ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मैंने वो मिस कर दी हो वीडियो। तो मैंने एक शॉट डाला है पूरा, जिसमें मैंने माँ का लुक दिखाया है, तो वो आप यूट्यूब पे ही है, कहीं और नहीं। तो अब वो लुक माँ का पूरा देख सकते हैं, वो शॉट के थ्रू मैंने ब्लॉग लिंक अपना ऐड भी किया है, जिस ब्लॉग की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें मैंने हमारा पूरा माँ का लुक दिखाया है। तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखिए और खूब सारा प्यार दें उस शॉर्ट्स को। और भी बताइए, हमें सजेस्ट करिए कि हम कैसी वीडियोस बना सकते हैं, और भी मैं नए तरह के शॉर्ट्स आपके लिए लेके आऊँगी। तो मैं मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, और भी ज़्यादा शॉर्ट्स लेके आऊँगी। तो ऐसे ही हम तक प्यार बनाए रखें। अच्छा गौर साहब कुछ बात करना चाहते हैं। नमस्कार जी, राधे राधे सभी को। और जो है मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ ब्लॉग, हाँ मतलब ऐसा भी है। और बाकी जैसा कि शिवी ने बताया कि कल जो है हमारी बुआ के घर का गृह प्रवेश है कल, तो हम उसमें जाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि हम उसका प्रॉपर एक ब्लॉग शूट कर पाएँ, और वो आपको नेक्स्ट डे हम दिखाते हैं, नेक्स्ट डे दिखा दें या उससे नेक्स्ट डे दिखा दें, मतलब उसको हम ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि कल शिवी यहाँ पर हैं, माधव यहाँ पर हैं, तो हम यहाँ से जाने के बाद प्रॉपर उसका एक ब्लॉग शूट करेंगे, जो कि हम आगे आपको दिखाएंगे। और उसका गृह प्रवेश कल होगा, बहुत सुंदर घर लिया है बुआ ने हमारे फूफा जी का, एक सपना वो जो कि पूरा हुआ, रजिस्ट्री जब हुई मैंने आपको बताया उसकी, और कल गृह प्रवेश करके पूरा प्रॉपर एक व्लॉग शूट करते हैं उसका। मैं खुद एक शूट करूँगा, क्योंकि मैं, माँ, डैडी, चाची और कबीर जो हमारे सबसे छोटे वाले भाई हैं चाचा जी के बेटे, तो हम सब लोग यहाँ से निकलेंगे और फिर मिलते हैं आपसे दोबारा जल्दी ही। अब क्योंकि क्या है, 16th का शिवी का बर्थडे है, और फर्दर हमारे 17th के, 18th के, 19th के भी आगे कुछ प्रोग्राम शेड्यूल्ड हैं, तो अभी देखते हैं कैसे कैसे प्लान करते हैं, क्योंकि शिवी का बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ से भी क्या है ना कि लगभग 200 किलोमीटर पड़ता ही है आगरा, तो आना जाना, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हमारी ट्रैवलिंग है, फिर अगले दिन ट्रैवलिंग है, तो इस वजह से स्किप करना पड़ रहा है, बैठे बैठे थोड़ा सा पेट में दर्द हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो अभी हम मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभरात्रि, और बनाए रखिए अपना प्यार शिवी के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया। हाँ दूसरी बात और बोलूँगा कि आप जो हमारा नए घर वाला जो ब्लॉग था, उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, जिनमें बहुत सारे लोगों की मैं जो है हेल्प भी कर पाया, उनको मैं वे आउट भी दे पाया है कि किस तरीके से आप कैसे क्या कर सकते हो, असिस्ट भी कर पाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और फर्दर मैं अभी इसमें प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हेल्प नहीं हो पा रही, इंस्टाग्राम पर रीच नहीं कर पा रहे, तो अभी जब हमारा परसों एक ब्लॉग आएगा तो उसमें शायद मैं कोशिश करूँगा एक अपना नंबर जो है मैं उसमें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं अभी सोच रहा हूँ ऐसा कि जिसमें आप लोग डायरेक्टली मेरे को फ़ोन करके नोएडा से रिलेटेड, NCR से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो बने रहिएगा, प्यार अपना बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।